Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की रेसिपी कैनोली है। ये इटालियन रेसिपी में से है। ये स्वीट रेसिपी बच्चे बड़े काफी पसंद करते हैं। बाहर से इनकी लेयर काफी क्रंची और अंदर से ठंडा ठंडा स्वीट चॉकलेटी इस कैनोली को खास और अलग बनाता है। तो आइए बिना देर किए इस कैनोली को अपने अंदाज में बनाना शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। कैनोली बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी मैदा लिया है। मैदे में एक चम्मच बटर जाएगा और इसके साथ इसमें हमने यहाँ पे एक योग लिया है। व्हाइट वाला पार्ट हटा देना है और एक योग ले लेना है। एक अंडे का हमने एक योग लिया है और इसके साथ 1 पिंच इसमें नमक जाएगा और 1 चम्मच इसमें शक्कर पाउडर पिसी हुई शक्कर जाएगी और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। बटर की मात्रा हमने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है। इस कैनोली का जो ऊपर का बेस है उसमें क्रंच अच्छे से आना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको बटर नहीं डालना है तो आप इसकी जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी आप इसकी जगह डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल की मात्रा आप 2 चम्मच रख लें इसमें और देसी घी 1 चम्मच या बटर 1 चम्मच। इस तरह से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जब भी आप कैनोली बना रहे हैं तो कैनोली का बेस हमें ध्यान रखना है। इसका डो जो हम तैयार कर रहे हैं उस डो में हमें क्रंच जरूरी है कैनोली में, तभी खाने का इस स्वीट रेसिपी का मजा आता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है इसमें मोयन का। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इस डो को तैयार करने के लिए आप चाहे वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई भी फ्लेवर का जो फ्रूट जूस आपको पसंद है वो भी आप ले सकते हैं इस कैनोली के डो को तैयार करने के लिए। यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है और बड़े बच्चे सभी को पसंद स्वीट रेसिपी है ये। आप कैनोली बना के रख लें और अपनी पसंद का फ्लेवर इसमें स्टफ करें और बच्चों की पार्टी हो, खासतौर पे बच्चों की पार्टी में आप ये कैनोली स्वीट रेसिपी बनाकर रख दें, बच्चों को काफी पसंद करेंगे बच्चे। अब इस डो को हमें खूब अच्छे से नीड करना है। 5 से 7 मिनट के लिए हमें इस तरह से अपने हाथ की ये पाम से इसको इस तरह से प्रेस करना है, आगे बढ़ाना है और फिर इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हमें 5 से 7 मिनट तक इस डो को हमें गूंद लेना है अच्छे से। इनको गूंदते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गया है। अब इन्हें हमें ढक करके रेस्ट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद हम इसकी कैनोली बनाएंगे। तो आइए 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गया है हमारे डो को रेस्ट के हुए और ये काफी अच्छे से ये स्मूथ हो गया है। अब इसकी हमें कैनोली बना लेना है। इस तरह से एक छोटा सा हमें डो ले लेना है और इसको हमें अच्छे से बेल लेना है। जिस तरह से हम लोग चपाती बेलते हैं, चपाती की जितनी थिकनेस होती है उतनी ही हमें रखनी है। बहुत ज्यादा इसको मोटा नहीं करना है। अगर आपको बेलने में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें ऑयल लगा सकते हैं इसके सरफेस पे, आप ताकि आपका जो डो है आसानी से ये बिल जाए आपका। इस तरह से हमें इसको बेल लेना है और इसकी मोटाई देखिए, बहुत ज्यादा ये मोटा भी नहीं है। इस तरह से हमें रखना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा पतला नहीं है। जिस तरह से चपाती के हम लोग रखते हैं मोटाई, उतनी ही हमें इसको रखनी है। और आपके पास इस तरह से गोल्ड रिंग वाला कटर है तो आप उससे पूड़ी के आकार में काट लें ताकि सारी कैनोली आपका एक साइज में बने। मेरे पास कटर नहीं था, हम यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से एक साइज में अगर आपकी सारी कैनोली तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमें एक छोटी पूड़ी की साइज का हमें बेल लेना है और दूसरा पीस इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। और दूसरी साइड पे हमें ऑयल रख देना है गैस पे गर्म होने के लिए, क्योंकि इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। तो तेल हमारा दूसरे साइड में अगर गर्म रहेगा
और कनोली हमारा ये तैयार रहेगा तो फटाफट हमारी कनोली को तलने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से ये हमारी चार कनोली तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने कोन का इस्तेमाल मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास लंबे में पाइप नहीं है जिसमें कनोली तैयार किया जाता है, उसका आकार लंबा होता है। कुछ हमारे इस तरह से पाइप आता है, उस होल वाला पाइप स्टील का आता है, उसमें कनोली तैयार किया जाता है। मेरे पास वो नहीं था, मैं यहाँ पे इस तरह से कोन वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये भी ना हो तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से इसमें करेंगे और एक साइड में हमें पानी लगा लेना है ताकि जब हम इसको आपस में दोनों सिरों को चिपकाएंगे तो ये चिपक जाए और तेल में तलने के बाद हमारी कनोली खुले ना। इस तरह से एक एक करके हमें ये कनोली को तैयार कर लेना है। कहीं से मोटी अगर रह गई हो तो थोड़ा सा आप इसको बेल सकते हैं फिर से वापस। और फिर एक साइड में हमें इस तरह से पानी लगा लेना है और पानी लगाने के बाद हमें इस तरह से थोड़ा सा हमें खींचते हुए कुछ कनोली हमने बना दी है। और एक कनोली हमें इस तरह से अल्मीनियम फॉइल से इस तरह से मैंने पाइप एक बना लिया है ताकि उस एक बेस हमारा तैयार हो जाए कनोली तैयार करने के लिए। तो इसको तैयार करने के लिए आप इस तरह से अल्मीनियम फॉइल ले लीजिए और इसको इस तरह से रफली आप यूँ फोल्ड कर लीजिए। जितनी भी आपको अपनी कनोली की मोटाई रखनी है उसके हिसाब से आपको इसमें ये पाइप की मोटाई रखनी है। एक्स्ट्रा इसको हमें काट देना है। इस तरह से एक ये हमारा तैयार हो गया। अब इसकी सरफेस को हमें कितना रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा रफ है तो इसको हमें थोड़ा सा एक बार और इसमें लपेट लेंगे। और इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है कनोली के लिए। इसमें पानी लगा देंगे हम और इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और ये हमारा एक साचा बनकर तैयार हो गया है अल्मीनियम फॉइल से। इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। अब ये सारा हमारा तैयार हो गया है, इसको हमें डीप फ्राई करना है। तेल हमारा काफी अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक करके हमें कनोली को हमें तल लेना है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं तलना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम होना चाहिए। इसको हमें इस तरह से हमें इसको पलट लेना है ताकि चारों तरफ से एक लाइट गोल्डन कलर इसमें आ जाए, एक अच्छा क्रंच हमें देना है। तो इसके लिए हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, बहुत ज्यादा हमें हाई फ्लेम पे इसको नहीं तलना है। कनोली बनाने के लिए मार्केट में आपको ऑनलाइन या आपको बेकरी शॉप पे साचा मिल जाता है स्टील का, आप उससे लेके बनाएंगे तो काफी एक साइड में और अच्छे से बनेगा। और नहीं तो इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से ये आराम से ये साचा सारा निकल जाता है, जो भी निकलता जाए आप उसको निकाल लें। और इनको घुमाते हुए हमें एक अच्छा कलर देना है, काफी अच्छा इसका कलर आ रहा है हमारा, ये लाइट गोल्डन कलर इसका हो गया है। इसे और थोड़ा सा डार्क हमें करना है ताकि इसमें क्रंच अच्छे से आ जाए। इस तरह से आप इसको डीप फ्राई करके कनोली बना करके एयर टाइट कंटेनर में बनाकर रख सकते हैं। बच्चों की पार्टी हो रही है तो आप एक दिन पहले, एक से दो दिन पहले कनोली को तैयार करके एयर टाइट कंटेनर में रख लें और अपने बच्चों की पसंद के, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हैं उसमें, ये स्वीट में पसंद करते हैं आप स्वीट में वो फ्लेवर में आप इसमें स्टफ करके आप एंजॉय करें बच्चों के साथ पार्टी में। एक बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ गया है। अब इस तरह से हमें एक एक करके निकाल लेना है, जो भी कनोली हमारा काफी अच्छा कलर आ गया है उसको एक एक करके निकाल लेंगे। और इस तरह से बाकी के सारे कनोली को एक अच्छा कलर में हम लाकर के सारे ये कनोली को निकाल लेंगे तल के। ये देखिए इसमें काफी अच्छा कलर आया है और यही कलर हमें रखना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको तलना है। इसको तलने में ध्यान रखना है, नहीं तो बाहर से बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आपका जो क्रंच है कनोली में वो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इसको तलने के लिए गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। बाकी के भी सारे हम निकाल लेंगे इस तरह से।
कनोली हमारी तैयार हो गई है और आप अपने पसंद का जो भी आकार रखना है इसमें पतला और इसे लंबा भी कनोलियां बना सकते हैं, पतला भी रख सकते हैं। मैंने ये साइज रखा है और दो मेथड आपको बताया है। अगर आपके पास साचा कनोली का नहीं है तो आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल में भी बना सकते हैं। और इस तरह से ये हमारी कनोली बनकर तैयार हो गई है। इन्हें हमें ठंडा कर लेना है क्योंकि ये स्वीट रेसिपी है, तो स्वीट रेसिपी के लिए हमने इसमें स्टफ करने के लिए हमने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम लिया है और ये व्हिपिंग क्रीम हमारी काफी ठंडी है। अगर इसमें व्हिपिंग क्रीम में आपको स्वीटनेस कम लग रही है, मीठा कम लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा और मिला सकते हैं। और यहाँ पे हमने चॉकलेट चिप्स लिया है, व्हाइट और ब्राउन चॉकलेट चिप्स लिया है, उसके साथ चॉकलेट हमने थोड़ा सा क्रश किया है वो इसमें मिलाएंगे, ताकि जब एक एक बाइट बच्चे करें या कोई भी जिसको भी आप दे रहे हैं सर्व कर रहे हैं तो उसमें चॉकलेट आएगा तो खाने में काफी मजा आएगा। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी हम बचा कर रखेंगे क्योंकि कनोली जब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम जब डाल करके इसके अंदर होल के अंदर हम भर लेंगे तो साइड में हमें थोड़ा सा गार्निश के लिए चाहिए और थोड़ा सा इसमें हमें चॉकलेट सिरप चाहिए। हमें इसको चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और हमें ये व्हिपिंग क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये हमारी चॉकलेट सारे लेयर में अच्छे से जाए। जब हम कनोली में इसमें भरेंगे कनोली के अंदर तो सभी में हमारे अच्छे से ये चॉकलेट चिप्स आए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। या व्हिपिंग क्रीम आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें प्रोसेस चीज जो है क्रीम चीज जो आती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें अपने पसंद के अपने बच्चों का फ्लेवर्स में डाल करके वो उसके अंदर स्टफ कर सकते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब इस तरह से पाइपिंग बैग आता है, आप वो ले लें। अगर नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, आप दूध की पन्नी जो आती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्टफ करने में। कैंची से इसके नीचे का सिरा जो है उसको काट लेंगे और इस तरह से एक एक कनोली लेते जाएंगे और इसके अंदर हमें इसको भर लेना है अच्छे से। अच्छे से एक एक करके हम भरते जाएंगे इसमें। अगर आप व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी कनोली एकदम ठंडी हो जाएगी तब आप भरेंगे। इस तरह से आप इसमें चॉकलेट सिरप में इस तरह से ये डिप करेंगे दोनों किनारों, और या तो चॉकलेट में आप लगाएंगे या तो फिर आप स्प्रिंकल ले लें, जो भी है आपको पसंद है। इस तरह से एक कनोली आप तैयार करके रखते जाएंगे और दूसरा वाला भी इस तरह से हम चॉकलेट में डिप करेंगे और इस तरह से स्प्रिंकल में हम लगाएंगे। ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको चिल्ड करके थोड़ा सा हम बच्चों को देंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा सारे कनोली हम तैयार करके रख लेंगे। आप चाहे तो चॉकलेट चिप्स लगा लें इनके किनारों पे या फिर स्प्रिंकल जो पसंद है आप बच्चों को वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे हम तैयार कर लेंगे। कैनोली हमारी तैयार है। आप भी अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं या फिर आने वाले नए साल में इस स्वीट रेसिपी को अपनी पार्टी में ज़रूर शामिल करें। इनको बनाने में कुछ टिप्स मैंने बताए हैं, उन्हें ज़रूर ध्यान रखें और अपनी पसंद का फ्लेवर देकर इस स्वीट रेसिपी को इंजॉय करें। आप कैनोली को अपनी पसंद के हिसाब से स्वीट या नमकीन फ्लेवर भी दे सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ और हमारे हंग्री स्पून चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.